पंजतन ए पाक कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम दारुल उलूम फैजाने अहले वैत मदरसे की जानिब से बिथरी चैनपुर के बरकलीगंज कांधरपुर लाल फाटक बरेली में शानो शौकत के साथ मनाया गया। पंजतन ए पाक कॉन्फ्रेंस में हजरत मौलाना सखावत हुसैन रजवी मुरादाबादी, हजरत मौलाना अलाउद्दीन नूरी, हजरत मुफ्ती अफजाल रजा, मामून रशीद नईमी, कारी सलमान हबीबी शायर इस्लाम, हजरत मौलाना स्वालेह वारसी, नदीम रजा फैजी के अलावा कई नामवर शख्सियतों ने पंजतन ए पाक की सीरत को बयान किया। वही नामवर शायरों ने नातो मन कबत के जरिए गौसे आजम की शान में कलाम पेश किए। मदरसा दारुल उलूम फैजाने अहले वैत के इस साल 7 तालिबे इल्म बच्चों के कुरान हिफ्ज करने वाले हाफिज ए कुरान बच्चों की दस्तारबंदी की गई। आज के खुसूसी प्रोग्राम में बिथरी चैनपुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने पंजतन ए पाक कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी प्रोग्राम में अपने तमाम साथियों के साथ शिरकत की। बसपा नेता तौफिक प्रधान द्वारा कार्यक्रम में सहयोग किए जाने पर आयोजकों ने बसपा नेता तौफिक प्रधान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जिस तरह बसपा नेता तौफिक ने प्रोग्राम में सहयोग किया है, इसी तरह लोग आगे आकर सहयोग करने लगे तो दीन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, दुनियावी तालीम के साथ ही दीन की तालीम होना बहुत जरूरी है। जब दीन की तालीम लोगों में होगी तभी सामाजिक बुराइयों पर लगाम लग सकेगी। इस पर मौलाना अलाउद्दीन नूरी, सलमान रजा व वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने पत्रकारों को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम है मोहम्मद अलाउद्दीन नूरी। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये आज हमारे मदरसे के 7 बच्चे जो हाफिज कुरान बच्चे बने हैं। हमारा मदरसा 2019 में कायम हुआ और 4 साल के अंदर में हमारे स्टाफ और हमारे ये मोहतमीम सलमान रजा हबीबी साहब, जिनके मोहतमीम है मदरसे का, मैं निगरा हूँ मदरसे का, देख रेख करता हूँ, और 4 साल के अंदर में हमारे बच्चों ने जहाँ से 7 बच्चे हाफिज कुरान बनकर कामयाब हुए। हजरत मदरसा किस नाम से जाना जाता है? दारुल उलूम फैजाने अहले बैत। हजरत आपका इसमें ग्रामीण सलमान रजा हबीबी। यहाँ पर जो कुरान हाफिज हुए हैं वो सब आपकी तालीम से हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था, बड़ी इस गांव के अंदर दीन की बहुत ज्यादा कमी थी और बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत बुरा माहौल था। उसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस गांव के लिए मेहनत की और घर घर में हमने दीनी तालीम को पहुंचाया है। और हमारा यही तरीका है कि हम ये चाहते हैं कि जिंदगी भर तक हम, जब तक हमारे अंदर जान है, हम दीन की खिदमत करते रहें। आज जो हमने अपने मदरसे से 7 बच्चे हाफिज निकाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अपने घर से बड़ा गरीब हैं, इनसे दीनी तालीम के लिए हम लोग ना कोई पैसा वगैरह लेते हैं बल्कि फी सबीलिल्लाह बच्चों को हम लोग मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं। और गांव की तालीम भी हमने जो कराई है मदरसे के अंदर, उनसे भी हमने कोई अखरा, कोई पैसा वगैरह, कोई फीस वगैरह उनसे नहीं ली है। उनकी ने भी फी सबीलिल्लाह फ्री में उनको पढ़ाई हमने कराई है। बाकी मिल्लत के नौजवानों को क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि आज जो हमारा नौजवान तकवा जो है आज बुरी लतों पे है, दीन से पीछे है, तो हमारी कोशिश यही है कि उनको दीन की राह पे लाना। पाक कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, कल बहराइच शरीफ आप दरगाह पर हाजिरी दिए थे और परसों जो है बैजू शाह बाबा के मजार पर, तो ये लगातार जो है आप मजहबी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या वजह है? कहने की बात नहीं है कि जिसके दिल में होता है वो बताया नहीं जाता, वो खुद ही आदमी करता है। आज हमारे जहां जिस मदरसे में आया हूँ हजरत, मैंने देखा हजरत रात दिन प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं। मदरसे की आपने हालत भी देखी होगी, आज भी देखो खपटाइल पड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा मतलब कस्ता हालत है। उसके बाद में विधानसभा चुनाव में आया था, मेरी विधानसभा में लगता है ये मदरसा, तब से मेरा कहीं ना कहीं इस मदरसे से लगाव सा हो गया। आज यहाँ हमारे 7 बच्चों के दिल में कुरान से भी उतरा है और उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं उन बच्चों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दीन फैलाएं और हमारे दीन को आगे बढ़ाएं। मैं अपने हजरत का भी धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा रात दिन भागते दौड़ते हैं और दीन फैलाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके अंदर और ज़्यादा हौसला आए, ये और हौसले से काम करें।
और ज्यादा ना कहते हुए ये बात खत्म करता हूँ सभी भाइयों को और सभी जो हमारे बच्चे सभी से कहता हूँ कि बड़ा दिलो जान से सब पढ़ाई लिखाई करें और दिन की बात आगे बढ़ाएं। इसी बात को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।